हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। तो हमें तीन वर्ड सबसे पहले समझना है। पहला वर्ड लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और ये वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं। इक्वेशन अगर कहीं पर भी इज इक्वल टू आ जाए, इज इक्वल टू का मतलब ही इक्वेशन होता है। जैसे हमने लिखा 4x इज इक्वल टू 5, तो यह एक इक्वेशन है। अब यह कितने वेरिएबल इक्वेशन है हम आगे देखेंगे, लेकिन इज इक्वल टू साइन आ गया। लेकिन अगर ऐसा रहे 4x प्लस 5 इस तरह से लिखा रहे, तो यह इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन है। जब तक कि इक्वल टू नहीं आ जाए, अगर इज इक्वल टू 0 आ गया, अब यह इक्वेशन बन गया। जब तक कि इज इक्वल टू नहीं आ जाए, इक्वेशन नहीं कहा जाता है उसको। तो हमने समझा इक्वेशन क्या होता है, अब हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होता है। स्टूडेंट, ऐसा इक्वेशन जो हमें स्ट्रेट लाइन दे। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन मिला, ये स्ट्रेट लाइन मिला, स्ट्रेट लाइन कैसा भी मिले, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिले तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। ऐसा इक्वेशन जिसके थ्रू अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो स्ट्रेट लाइन मिलता है, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट। वेरिएबल क्या होता है, तो चलिए समझते हैं वेरिएबल क्या है। स्टूडेंट, हम जब सॉल्व करते हैं तो कहीं x इज इक्वल टू 4 मिलता है, कभी x इज इक्वल टू 5 मिलता है, कभी x इज इक्वल टू -2 मिलता है। नाइन्थ ग्रेड में हमने देखा था x की वैल्यू बार बार चेंज होते रहती है। तो जिसकी वैल्यू बार बार वेरी करे, चेंज हो, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे फाय आज भी फाय है, पास्ट में भी फाइव था, फ्यूचर में भी फाइव ही रहेगा। फाइव कभी 6 नहीं बनेगा, ना ही 4 बनेगा, ये फिक्स्ड है। तो इसे हम कांस्टेंट कहते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, अगर मैं लेता हूं यहां पे 4x इज इक्वल टू 5, तो कितने वेरिएबल मैंने यूज किया है, कितने अल्फाबेट है। अल्फाबेट को ही वेरिएबल कहते हैं, चाहे इंग्लिश के अल्फाबेट हो या हिंदी के अल्फाबेट हो, अल्फाबेट को ही हम वेरिएबल कहते हैं। तो कितने अल्फाबेट मैंने यूज किया है, 1। तो यह इक्वेशन यह वन वेरिएबल इक्वेशन है स्टूडेंट। अगर 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 लिखा, तो कितने अल्फाबेट यूज किया मैंने, 2 अल्फाबेट। तो इसे हम 2 वेरिएबल इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा इक्वेशन जिसमें जो अल्फाबेट है उस पर पावर 1 हो। अगर पावर 1 है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और इसके थ्रू अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें। इसीलिए लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन है ये। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपका सेकंड चैप्टर है, तो सेकंड चैप्टर में आप देखोगे स्टूडेंट, तो उससे जो ग्राफ ड्रॉ अगर किया जाए, वैसे आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है 10th ग्रेड में, लेकिन उसके थ्रू अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो ग्राफ कभी स्ट्रेट मिलेगा, कभी कर्व मिलेगा, यानी कैसे भी ग्राफ मिल सकता है। तो वह लीनियर इक्वेशन नहीं है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट। अब यहां पर देखते हैं वन वेरिएबल टू वेरिएबल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। वन वेरिएबल इक्वेशन, जैसे सपोज दैट आपने लिखा 4x इज इक्वल टू 5, ऊपर लिखा 4x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5/4। हमने इसको एक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है, दो वेरिएबल दिए हुए हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट दो इक्वेशन चाहिए, तो ही हम उनकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं x और y की। याद रखिएगा, हम 10th ग्रेड में जो भी इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं। जैसे स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 1 में हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करेंगे, प्रैक्टिस सेट 2 में हम अगर देखें फर्स्ट चैप्टर के, तो वहां ग्राफिकल टेक्निक यूज करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3 में हम क्रैमर्स रूल यूज करेंगे स्टूडेंट। तो बेसिक 3 रूल्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चलिए हम देखते हैं। स्टूडेंट, एक इक्वेशन दिया है 4x प्लस y इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन और दिया है 3x माइनस y इज इक्वल टू 5, यह एक इक्वेशन है। चलिए इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है स्टूडेंट। अब देखिए, ऊपर और नीचे के इक्वेशन को देखिए, अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहूं तो y पे ऊपर प्लस है, नीचे साइन माइनस है। तो अगर ऐसा
कंडीशन आपको देखने को मिलता है, तो इक्वेशन को ऐड करेंगे और ऐड करते ही इक्वेशन में वाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। थ्री और फोर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 7x, और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो x इज इक्वल टू हमको मिल गया 8/7। स्टूडेंट अब ये जो x की वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक इस तरह से आपको देख ध्यान में रखना है, अगर ऐसा रहा दोनों साइन डिफरेंट रही तो ऐड करेंगे, और अगर साइन सेम रही स्टूडेंट, स्टूडेंट हमें कुछ इस तरह से अगर इक्वेशन मिलता है कि 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यह इक्वेशन नंबर 1 है, यह इक्वेशन नंबर 2 है, कुछ इस तरह से हमें इक्वेशन देखने को मिले, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं यहां y को इलिमिनेट करना चाहूं, आप जिसको चाहो उसको इलिमिनेट कर सकते हो, चाहो y को चाहो x को, y को इलिमिनेट करना चाहते हैं तो दोनों की साइन क्या है स्टूडेंट, सेम है, साइन सेम होगी तो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन डिफरेंट होगी तो इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी, जहां प्लस रहेगा वहां माइनस और जहां माइनस रहेगा वहां प्लस। अब देखिए ये वाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन डिफरेंट हो गई, अब 4x और 3x की पहले साइन क्या थी स्टूडेंट, पहले 3 की साइन थी प्लस, अब साइन क्या है माइनस है, तो साइन डिफरेंट हो गई, तो साइन डिफरेंट है सब्ट्रैक्ट होंगे, 4x माइनस 3x तो क्या मिलेगा हमको 1x, सिर्फ x मिलेगा और 1 तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, और 5 माइनस 3 कितना मिलेगा स्टूडेंट 2, तो ये हमें x इज इक्वल टू कितना मिल गया 2। तीसरा किस तरीके से हमें सॉल्व करना है वो देखते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट अगर इक्वेशन कुछ इस टाइप का दिया हो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, यह इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप x को आप y को किसको भी इलिमिनेट कर सकते हो, सपोज दैट यहां मैं x को इलिमिनेट करता हूं तो नंबर जो है x के पहले दोनों इक्वेशन में सेम है, नो, तो सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट को सेम करना होगा, तो कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां देखिए 2 है तो जो इक्वेशन 2 में 2 है उसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के नंबर का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको नया इक्वेशन मिल जाएगा, क्या इक्वेशन मिलेगा 2 3 6x, 5 2 10y इज इक्वल टू 2 2 4, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब 3 से पूरे इक्वेशन में 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 1 3, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखिए यहां पर साइन क्या था प्लस, दोनों के पहले प्लस है तो अब क्या करेंगे इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जैसे ही इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले की साइन क्या हो जाएगी स्टूडेंट चेंज। तो यहां देखिए ये 6x कैंसिल हो गया, 9 की साइन अब क्या है माइनस, पहले क्या थी प्लस, तो 10y में से 9y जाएगा तो क्या बचेगा रिमेनिंग स्टूडेंट y, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई स्टूडेंट 1। तो इस तरह से हम जब वेरिएबल के पहले जो नंबर होगा सेम नहीं होगा तो इस तरह से नंबर को सेम करेंगे स्टूडेंट। जो लीनियर इक्वेशन होता है वह हमेशा एक फॉर्मेट में लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन किस फॉर्मेट में लिखा जाता है स्टूडेंट। लीनियर इक्वेशन हमेशा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा होता है। पहला इक्वेशन a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है, दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है, कुछ इस फॉर्मेट में हम लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं स्टूडेंट। ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का सम नंबर 1 है, इस इक्वेशन को देखिए, पहला इक्वेशन दिया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखिए अगर y को इलिमिनेट करना चाहता हूं तो y में
नंबर क्या है, सेम है दोनों के, कोएफिशिएंट सेम है, तो हम इक्वेशन को क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐड करेंगे, ऐड कर दिए, ऐड करते वाई कैंसिल हो गया। अब देखो 5 और 2 7x, ये 7x हो गया, 9 और 12 21। स्टूडेंट यहां नंबर और लेटर, जैसे 7x है 7 × x होता है तो इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 21 / 7, 7 × 3 = 21, तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया स्टूडेंट 3। अब ये जो वैल्यू मिली है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी है यहां जिस इक्वेशन में उसने सब्स्टिट्यूट किया है हमें उसी में सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए ध्यान से, फाइव एक्स प्लस 3y = 9 है इक्वेशन नंबर 1 आपको दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1, तो फाइव एक्स की पोजिशन पर मैंने 3 रख दिया, तो 5 × 3, तो 5 × 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 × 3 = 15, यानी ये वैल्यू अब कितनी हो गई हमारे पास 15। इधर प्लस 15 है इक्वल के उस साइड आएगी तो कितना हो जाएगी -15, तो 9 - 15 कितना हो जाएगा -6, क्योंकि 15 की साइन ग्रेटर है माइनस है, तो यहां क्या हो जाएगा -6, 3 × 2 = 6, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई स्टूडेंट -2। तो यहां x और y दोनों की वैल्यू लिखनी है, x हमें कितना मिला है 3 और y कितना मिला है -2, यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट आंसर। तो स्टूडेंट ये सम नंबर 2 देखते हैं हम लोग, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन क्या दिया है, 3a + 5b = 26, तो चलिए लिख लेते हैं 3a + 5b = 26, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन देखिए क्या दिया है, a + 5b = 22, ये इक्वेशन नंबर 2 दिया है। अब यहां पर a, अगर a को देखते हैं तो a को इलिमिनेट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन b को इलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर सेम है, तो चलिए b को हम इलिमिनेट कर लेते हैं स्टूडेंट। तो b का साइन क्या है, इक्वेशन 1 में प्लस है, इक्वेशन 2 में भी प्लस है, तो दोनों साइन क्या है सेम है, अगर साइन सेम होगी तो हमको पता है क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करते ही नीचे वाले इक्वेशन की साइन क्या हो जाएगी चेंज, तो b कैंसिल हो गया, 3a - a क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2a, और 26 - 22 कितना मिल जाएगा हमको 4, तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 4/2, 2 × 2 = 4, तो a इज इक्वल टू हमको मिल गया 2। अब जो भी a की वैल्यू हमें मिली है यह इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे हमको b मिल जाएगा, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में रख के चेक कर लेते हैं, क्या है इक्वेशन फर्स्ट हमारा स्टूडेंट, 3a + 5b = 26, ये इक्वेशन था हमारा, a की वैल्यू हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 × क्या हो जाएगा 2 + 5b = 26, 3 × 2 = 6, 6 + 5b = 26। स्टूडेंट यहां पर 6 के पहले साइन कौन सी है, प्लस, जब कभी भी कोई भी साइन ना दी हो तो क्या है प्लस, इक्वल के उस साइड जाएगी क्या हो जाएगी माइनस, तो हमको मिल जाएगा 5b = 26 - 6, तो 5b = क्या हो जाएगा स्टूडेंट 20, तो b = क्या हो जाएगा 20/5, 5 × 4 = 20, b = कितना मिल गया स्टूडेंट 4। अब ये हमें b की वैल्यू मिल गई, तो a = कितना मिला 2 और b = कितना मिल गया स्टूडेंट 4, यही हमारा आंसर हो गया। सेकेंड सम देखो, x + 7y = 10, (3x - 2y = 7). यहां पर अगर मैं y को इलिमिनेट करना चाहूं स्टूडेंट,
तो पहले इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 2 का, और दूसरे इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 7 का। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x 14y इज इक्वल टू 20। यह हमें इक्वेशन नंबर 3rd मिल गया। 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 21x माइनस 14y इज इक्वल टू 7 7 49। ये इक्वेशन नंबर 4 मिल गया आपको। अब देखो दोनों की साइन डिफरेंट है। ऊपर वाले y की साइन प्लस है, नीचे वाले y की साइन क्या है? माइनस है। कोएफिशिएंट हमने सेम कर लिया। अब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे स्टूडेंट? इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करने पर कोई साइन तो चेंज होती नहीं, आपको पता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में हम 21 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 23x इज इक्वल टू 49 + 20, 69। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 69/23। तो कितना आएगा स्टूडेंट? x इज इक्वल टू 3। अब इस x इज इक्वल टू 3 की वैल्यू हम इक्वेशन कौन से में सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 या 2, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट हमारा? x प्लस 7y इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 10। तो x के पोजीशन पर 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10। 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 7y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 7/7, y इज इक्वल टू 1। तो ये हमें y मिल गया और x हमें क्या मिला था? 3। अब स्टूडेंट हम सम नंबर 3rd देखते हैं। सम नंबर 3rd क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा भी दिया है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखो अगर मैं x को कैंसिल करना चाहूं तो x इजिली कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पहले क्या है? जो नंबर है वो सेम है, तो दोनों के पहले नंबर सेम है तो हम कैंसिल कर देते हैं। तो दोनों साइन क्या है स्टूडेंट? साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा? नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये तो कैंसिल हो गया। यहां पर क्या हो गया? माइनस 3y और माइनस y, तो ये हमको मिल जाएगा -4y इज इक्वल टू 13 की साइन। अब क्या है स्टूडेंट? माइनस है तो यहां माइनस लिखेंगे, 13 - 9 = 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? 4/4, 4 1 = 4, y इज इक्वल टू 1। अब ये y इज इक्वल टू 1 हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलिए यहां इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। क्या है इक्वेशन 2 हमारा? 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। ये हमारा इक्वेशन है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 13। y के पोजीशन पर मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 13 - 1। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12/2, 2 6 = 12, देयर फॉर x इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया? 6। तो इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू हमको क्या मिला स्टूडेंट? 6। चलिए अब हम सम नंबर 4th देखते हैं स्टूडेंट। सम नंबर 4th देखिए, 5m - 3n इज इक्वल टू 19।
यह इक्वेशन नंबर वन है। इक्वेशन नंबर टू क्या है हमारा, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अगर मैं यहां n को कैंसिल करता हूं तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, 6, और यहां मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा। अगर ये नंबर कैंसिल होते हैं, 3 1 3, 3 2 6 कैंसिल होते हैं, तो कैंसिल कर देने का, 2 से मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन वन में, हमको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 10m 3 2 6n इज इक्वल टू 38, यह इक्वेशन नंबर हमें थर्ड मिल गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन एज इट इज रहेगा, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, यह इक्वेशन हमारा फोर्थ है। साइन क्या है स्टूडेंट, साइन पर ध्यान दीजिए, साइन एन का सेम है कि दोनों का, इक्वेशन वन और टू में, इक्वेशन वन और टू में साइन क्या है दोनों का, सेम है, तो साइन सेम होगी तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज, 10m माइनस 1m तो हमको क्या मिल जाएगा, 9m, और ये कैंसिल। अब 7 की साइन क्या है, प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, 45, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 अपॉन 9, 9 5 45, तो m इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया स्टूडेंट, 5। अब ये जो m की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किस में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट m इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या है इक्वेशन हमारा, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, यही इक्वेशन था, 5 इंटू m की वैल्यू कितना है हमारे पास, 5 माइनस 3n इज इक्वल टू 19, 5 5 25, माइनस 3n इज इक्वल टू कितना हो गया, 19, माइनस 3n इज इक्वल टू 25 के पहले साइन कौन सा स्टूडेंट, प्लस, इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 19 माइनस 25, माइनस 3n इज इक्वल टू 19 का साइन प्लस, 25 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6 डिवाइड बाय 3, 3 2 6, n इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया स्टूडेंट, 2। तो इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 2, यही आपका आंसर है। चलिए सम नंबर फिफ्थ देखते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 5 को देखते हैं, पहला इक्वेशन दिया है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या दिया है हमारे पास, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। डायरेक्टली हम इलिमिनेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते डायरेक्टली इलिमिनेट, क्योंकि नंबर सेम नहीं है, कोएफिशिएंट सेम नहीं है। अगर x को इलिमिनेट करना चाहो तो यहां मल्टीप्लाई बाय 1, यहां मल्टीप्लाई बाय 5 होगा स्टूडेंट, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, यह इक्वेशन हमारा फोर्थ हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20, यह इक्वेशन नंबर, सॉरी स्टूडेंट, यह इक्वेशन थर्ड होगा और यह इक्वेशन फोर्थ होगा। अब इलिमिनेट करने के पहले साइन देखिए, यहां पर साइन क्या है, प्लस, नीचे भी साइन प्लस है, साइन सेम होगी तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करते ही नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज। अब देखिए यहां तो ये कैंसिल हो जाएगा, 25 की साइन क्या है स्टूडेंट, माइनस, ग्रेटर की साइन माइनस है, 25 माइनस 2y कितना हो जाएगा, 23y इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 20,
तो माइनस 23 हो जाएगा, माइनस माइनस पहले ही कैंसिल कर दिया, वाई इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 23 अपॉन 23। वन जा वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया स्टूडेंट, 1। पुट वाई इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए फर्स्ट में रखते हैं, इक्वेशन क्या है, फाइव एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस 3। तो फाइव एक्स प्लस टू वाई के पोजीशन पर क्या रखेंगे, 1 इज इक्वल टू माइनस 3। फाइव एक्स टू वन जा टू इज इक्वल टू माइनस 3। फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, इधर प्लस 2 था तो इधर आएगा माइनस 2। फाइव एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 5। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन 5। फाइव वन जा 5, तो एक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया स्टूडेंट, माइनस 1। स्टूडेंट अब हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है, 1 अपॉन 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। यह हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस 1 अपॉन 4y इज इक्वल टू 11 अपॉन 4। अगर स्टूडेंट अपॉन में कोई नंबर या कोई वेरिएबल आए तो उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 1 अपॉन 3x, 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10 अपॉन 3। 3 3 ऊपर नीचे है, कैंसिल हो गया, x प्लस 3y, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, 10। यह इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। ऐसे ही स्टूडेंट इसमें अपॉन में क्या है, 4, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 4y इज इक्वल टू 4 इंटू 11 बाय 4। 4 टू जा 8x, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा y, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा 11। यह इक्वेशन नंबर हमें 4th मिल गया स्टूडेंट। अब हम इक्वेशन 3rd और 4th को सॉल्व करेंगे। 3rd क्या है हमारे पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। यह इक्वेशन हमारा 3rd है। 4th इक्वेशन क्या है हमारे पास, 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। स्टूडेंट यहां पर अगर मैं y को कैंसिल करना चाहूं तो क्या करूंगा, यहां पर 1 का मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। तो मल्टीप्लाई करिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 5 मिल गया आपको। 8 थ्री जा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। यह इक्वेशन नंबर 6 मिल गया। यहां देखिए y को हमें कैंसिल करना है, y को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां प्लस, यहां भी प्लस, दोनों जगह प्लस है। इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते ही नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज और ये हो जाएगा y कैंसिल। 24x साइन क्या है, माइनस। 24 में से 1x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23x इज इक्वल टू 33 माइनस है तो माइनस, 33 में से 10 माइनस होगा तो स्टूडेंट हमको क्या मिल जाएगा, 23। ये माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 23 अपॉन 23। तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, 1। तो x इज इक्वल टू 1। नाउ ये जो x इज इक्वल टू 1 मिला है, इसको हम इक्वेशन 1 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3rd या 4th में, 5th और 6th में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए हम इक्वेशन 3rd में सब्स्टिट्यूट करते हैं।
पुट एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन थर्ड। क्या है इक्वेशन थर्ड हमारा स्टूडेंट? एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन। तो एक्स के पोजीशन पर वन लिखूंगा, वन प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टेन। प्लस वन है इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस वन, तो थ्री वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? टेन माइनस वन। थ्री वाई इज इक्वल टू टेन माइनस वन इज नाइन। वाई इज इक्वल टू नाइन अपॉन थ्री, थ्री थ्री जा नाइन। वाई इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? थ्री। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। चलिए हम सम नंबर सेवन को देखते हैं स्टूडेंट। सम नंबर सेवन दिया है 99x प्लस 101y। अगर कुछ इस तरह से इक्वेशन दिया हो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं सॉल्व करते। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। यह इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है स्टूडेंट? 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। यह इक्वेशन टू हो गया स्टूडेंट। अगर हम पुराने टेक्निक से सॉल्व करना चाहें तो y को इलिमिनेट करेंगे तो 99 और 101 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो एक बार इस इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं स्टूडेंट। यहां देखिए 101 प्लस 99 तो हमको क्या मिल गया? 200x प्लस 200y इज इक्वल टू 501 प्लस 499 1000। 200 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो यहां 200 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 200 हमने कॉमन ले लिया तो हमको क्या मिल गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां देखिए ब्रैकेट के बाहर है ना, यहां मल्टीप्लाई है तो यहां क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइड बाय 200। यहां 0 0 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो हमको मिल जाएगा 2 5 10। यानी इक्वेशन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेते हैं। ये हमने ऐड किया, अब एक बार यही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। नाइनटी नाइन एक्स प्लस 101y इज इक्वल टू 499। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। यह हमारा इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू है। चलिए इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट किया, नीचे वाले की साइन चेंज। 99 और 101 में ग्रेटर कौन सा है? 101 साइन क्या है? माइनस, माइनस 2x। इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है स्टूडेंट? प्लस 2y। इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है स्टूडेंट? 501 साइन क्या है? माइनस 2। यहां माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमको मिल जाएगा x। माइनस से इस प्लस को अगर कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस। 2 से 2 कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल टू माइनस 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू हमको मिल गया 1। यह इक्वेशन नंबर हमको फोर्थ मिला। अब इस इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा। इक्वेशन थर्ड देखिए आपको दिख रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यह इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन फोर्थ क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन फोर्थ है। अब इनको हम ऐड करते हैं, y इलिमिनेट हो गया, x x कितना x हो गया? 2x। 5 1 कितना हो गया? 6। x इज इक्वल टू 6 बाय 2, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन,
फर्स्ट और सेकंड में भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो चलिए थर्ड में रख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है स्टूडेंट, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव। तो यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू टू। तो कुछ इस तरह से सॉल्व हुआ और ये हमारा आंसर आया। स्टूडेंट लास्ट सम जो है इस एक्सरसाइज का ऐसे सेम है, सिक्स वाले के सम की तरह ही है, तो सेवंथ वाले सम की तरह ही है, तो आप प्लीज इसको ट्राई करिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू स्टूडेंट।